हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ फिर से नया वीडियो, जिसमें हमेशा की तरह बहुत सारे अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स होने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो आज का वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो को प्लीज़ एंड तक देख ही रहना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में एक क्वेश्चन भी है, तो जो भी सबसे पहले उसका आंसर कमेंट करेगा, उसकी कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रिक नंबर वन से। ट्रिक नंबर वन को करने के लिए आपको ना ऑब्जर्वेटरी के पास, इस ब्रिज के पास, तो यहाँ पर आप किसी भी गाड़ी का यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली इस तरह से गाड़ी को नीचे ले जाना है, फिर आप यहाँ पर इस तरह से बैठ जाओगे। और चाहे तो यहाँ पर आप एंटर भी करके रख सकते हो, जिससे यहाँ पर एनिमी को पता नहीं चलेगा कि नीचे बंदा है। और यहाँ पर इस तरह से अगर आप फ्री लो को घुमाओगे, फिर आप पूरा ऊपर का व्यू देख पाओगे। और अगर आपको उस साइड का भी व्यू देखना है, फिर आपको यहाँ पर गाड़ी को लाना है, फिर आप पूरा यहाँ पर ब्रिज के आर पार देख सकते हो, एनिमी कहाँ पर है, कहाँ जा रहा है, सब कुछ आप नीचे से देख सकते हो। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो सब कुछ हमें यहाँ से जो है नीचे से क्लियरली दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और ट्रिक नंबर टू को करने के लिए आपको आना है पर्गेटरी मैप में। पर्गेटरी मैप में आपको आना है सेंट्रल में। तो सेंट्रल में आपको आना है इस वाली दीवार के पास। और यहाँ पर आपके पास कोई सी भी एक गाड़ी होनी चाहिए, आपको इस तरह से यहाँ पर गाड़ी को सेट करना है। और गाड़ी को सेट करने के बाद चाहो तो यहाँ पर दिमित्री यूज़ करो, अगर आपके पास है तो दिमित्री यूज़ कर सकती हो। फिर आपको यहाँ पर इस तरह से ग्रेनेड फेंकना है, फिर आपको जाना है गाड़ी के पास, यहाँ पर ड्राइव करना है। जैसे भी यहाँ पर नॉक हो जाओगे, आप इस तरह से अंदर घुस जाओगे। और अगर आपने दिमित्री यूज़ किया होगा, फिर आप खुद ही यहाँ पर रिवाइव कर सकते हो खुद को। अगर नहीं किया है तो आपका फ्रेंड भी आपको रिवाइव कर सकता है। और अंदर जाने के बाद यहाँ पर देखो, पूरा का पूरा हमें यहाँ से नीचे से जो है सब कुछ यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। और अगर आपको पानी में जाना है, फिर आपको नेट को ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ पर किल हो जाओगे। नेट ऑफ करने के बाद अगर आप नीचे जाओगे, फिर आप पूरा यहाँ से नीचे का व्यू देख पाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पर्गेटरी मैप नीचे से कैसे दिख रहा है, मतलब कुछ अलग ही यहाँ पर टाइप का व्यू दिख रहा है। और फिर आप जब यहाँ पर नेट को ऑन करोगे, आप यहाँ पर नीचे नहीं रहोगे, इस तरह से वापस ऊपर आ जाओगे। चाहो तो यहाँ पर दीवार के अंदर कैंप भी कर सकते हो, चाहो तो यहाँ से इजिली आप इस तरह से बाहर भी निकल सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और हमारी ट्रिक नंबर थ्री को करने के लिए आपको चाहिए मॉन्स्टर ट्रक, और ये लूटी हुई नहीं होनी चाहिए, इसमें जो लाइट है ये दिख रही होनी चाहिए। तो हमारी गाड़ी की लाइट यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो। आपको जाना है इस तरह से दूर, कितना दूर आपको जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कम से कम आपको 100 मीटर से ऊपर जाना है, मतलब यहाँ पर कम से कम 100 मीटर या 110 मीटर के आसपास आपको दूर जाना है। तो जैसे आप जाओगे यहाँ पर, देखो हमारी गाड़ी जो है पूरी की पूरी यहाँ पर गायब हो चुकी है, सिर्फ यहाँ पर लाइट ही दिखती है। बट ये आपको क्लोज से नहीं दिखेगा, जब आप इसके नज़दीक जाओगे यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। तो कैसे आप इसको कर सकते हैं, इसके लिए आपको सिंपली पहले नेट को ऑफ़ करना पड़ेगा। तो जब आप वहाँ पर नेट ऑफ़ करोगे, फिर अगर यहाँ पर आप आओगे, आपकी गाड़ी जो यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी, यहाँ पर आपकी गाड़ी इनविजिबल ही रहेगी। बट ये वाला ट्रिक सिर्फ नेट ऑफ़ करके आपकी होगी, अगर आप नेट ऑन करके इसके पास जाओगे तो ये फिर से आपको दिख जाएगी। बाकी यहाँ पर कितना मस्त दिख रहा है ये लाइट, आप देख ही सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और हमारे ट्रिक नंबर फोर को करने के लिए आपको चाहे पानी की गाड़ी, या तो आप यहाँ पर बाइक का भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आपको इस ट्रक के राइट साइड में यहाँ पर गाड़ी को सेट करना है, फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपली यहाँ पर गेट आउट कर देना है। तो जैसे आप गेट आउट करोगे, आप आ जाओगे इस ट्रक के अंदर। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पूरा का पूरा गायब हो चुका हूँ, बिल्कुल भी बाहर से नहीं दिख रहा। और यहाँ पर अगर आप इस तरह से अंदर बैठोगे, यहाँ पर आप इजिली अपने रैंक को पुश कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। और अंदर आप फंसोगे नहीं, बाहर भी इजिली निकल सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और ट्रिक नंबर फाइव को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा कस्टम में। तो बहुत बार बंदे बनाते हैं कस्टम रूम जिसमें अनलिमिटेड एमो रहता है, उसमें आप ये ट्रिक कर सकते हो। आपको प्रोन करना है, ग्लोवाल को हाथ में लेना है, बस यहाँ पर एक ग्लोवाल को सेट कर देना है। ग्लोवाल सेट करने के बाद आप इस तरह से यहाँ पर जो है रेंग सकते हो, जो कि नॉर्मली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर कितना मस्त व्यू दिख रहा है, आप देख ही सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और हमारे ट्रिक नंबर सिक्स को करने के लिए आपको खेलना पड़ेगा ये नया वाला मोड, कोल्ड स्टील मोड में आपको गेम को स्टार्ट करना है। और गेम को जैसे स्टार्ट करोगे, इसके बाद आपको जाना है यहाँ पर जोन के बाहर। आप जब येलो रहोगे उस टाइम पे आपको डैमेज नहीं पड़ेगा, तो ज़्यादातर इसी टाइम पर आप इस ट्रिक को कर सकते हो। और ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर कि ट्रिक वर्क करती है, बहुत जगह पर इसको ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जैसे ही किसी भी विंडो के पास जाओगे ना, जब आप येलो रहोगे, यहाँ पर देखो क्या होता है, मतलब मेरा जो करेक्टर है पूरा यहाँ पर इसके विंडो के आर पार जा ही नहीं पा रहा है। और सिर्फ येलो रहकर रही नहीं, आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते, बट आपको जोन के बाहर रहना चाहिए, जो कि आप नॉर्मली नहीं रह सकते। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और हमारे ट्रिक नंबर सेवन को करने के लिए आपको जाना पड़ेगा वेपन सेक्शन में। यहाँ पर देख लो ये वाला M4A1 का स्किन, ऊपर इस पर टैप करो और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर डैमेज स्लाइटली कुछ लिखा है। और ये वाला M14 का स्किन और भी एक यहाँ पर है, तो ये वाला स्कार का भी स्किन आप देख सकते हो।
तो ऊपर आपने पढ़ लिया होगा, आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। पर देखो डैमेज कितना दिख रहा है, 59, बट जैसे मैं क्राउच करूंगा अभी देखो 64 यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर देखो कितना डैमेज दिख रहा है, 29, बट जैसे मैं यहाँ पर क्राउच करूंगा यहाँ पर डैमेज दिखा रहा है 31। मतलब ये जो स्कार और M14 है, जैसे आप क्राउच करोगे यहाँ पर जो है इसका डैमेज इंक्रीज हो जाएगा। और आप M4A1 का देख लो कितना दिखा रहा है अभी 29, बट जैसे आपके पास सिर्फ एक ही गन रहेगा यहाँ पर इसका जो डैमेज है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा, बट आपके पास एक ही गन होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और हमारी ट्रिक नंबर 8 को करने के लिए आपको फिर से खेलना पड़ेगा नया वाला मोड, कोल्ड स्टील मोड में आपको गेम को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास अभी 5 नाइफ है, इससे ज़्यादा आप नहीं उठा सकते। अगर आपने ये मोड खेला होगा तो आपको पहले से पता होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे आपके 5 नाइफ हो जाए यहाँ पर 2-4 ड्रॉप कर दो, फिर से वेट करो, फिर से 5 हो जाए, फिर से यहाँ पर ड्रॉप कर दो। इस तरह से आपको बहुत बार करना है। तो यहाँ पर जैसे बहुत सारे नाइफ हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर नीचे बहुत सारे नाइफ जमा हो जाएंगे, पूरी की पूरी यहाँ पर ट्रक बन जाएगी। तो यहाँ पर इतने सारे जैसे यहाँ पर बन जाएगा ना, इतने सारे मतलब यहाँ पर ये नाइफ, इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ड्रॉप करनी है, फिर आपको बहुत उंगली से एक बार यहाँ पर टैप कर देना है। चाहे तो 10-20 से करो, पैर की उंगली से, हाथ की उंगली से, सबसे यहाँ पर टच कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो पहले मैं सिर्फ 5 उठा पा रहा था, बट अब मैंने जो यहाँ पर 9 उठा लिया, जो कि नॉर्मली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और आप एक के बाद एक यहाँ पर फेंक सकते हो और एनिमीज का खोपड़ी फोड़ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और हमारे ट्रिक नंबर 9 को करने के लिए आपको आना है अल्पाइन मैप में। अल्पाइन मैप में आपको आना है मिलिशिया के पत्थर के पास। तो पत्थर के पास आने के बाद पहले आपको इसके ऊपर चढ़ना है, फिर यहाँ पे प्रोन करना है जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। फिर आपका सर थोड़ा सा इसके अंदर घुस जाएगा, और इसके अंदर सर घुसाने के बाद आपको यहाँ पर टांग नहीं घुसानी है, बस यहाँ पर एम को घुमाना है। तो जैसे आप एम को घुमाओगे यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, ये जो पत्थर है ना पूरा का पूरा यहाँ पर आर पार दिख रहा है। इस पत्थर के आर पार आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर देखो मेरा जो फ्रेंड यहाँ पर वो इमोट वगैरह दिखा रहा है, और मैं उसको यहीं से बोल रहा है कि तुम कौन सा वाला इमोट दिखा रहा है। और मेरा जो फ्रेंड है पूरा का पूरा यहाँ पर सरप्राइज हो चुका है, और फ्रेंड को भी चाहो तो सरप्राइज कर सकते हो, चाहो तो एनिमी को भी इजली यहाँ से देख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और हमारे ट्रिक नंबर 10 को करने के लिए आपको आना पड़ेगा कालाहरी मैप में। तो यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हो, 10 सब में आपको आना है। तो लोकेशन अच्छे से देख लेना, नहीं तो आपको बाद में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इस वाले जहाज़ के पास आपको आना है, जहाँ पर ख़राब जहाज़ पड़ा होता है इसके पास आपको आना है। कोई सी भी गाड़ी आपको अपने साथ लानी है। तो गाड़ी को लाने के बाद पहले हमारा अच्छे से गाड़ी को सेट करना, तभी आपका ये वाला ट्रिक हो पाएगा। तो गाड़ी को सेट करने के बाद चाहो तो यहाँ पर पहले दिमित्री यूज़ करो, अगर नहीं है तो फ्रेंड का भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से ग्रेनेड फेंकना है, फिर आपको गाड़ी में ड्राइव करना है। जैसे भी इस तरह से नॉक हो जाओगे आप अंदर की साइड घुस जाओगे, फिर आपको यहाँ पर से क्या करना है, सिंपली यहाँ पर खुद को रिवाइव करना है। चाहो तो फ्रेंड भी आपको रिवाइव कर सकता है। तो रिवाइव करने के बाद यहाँ पर देखो सामने क्या दिख रहा है, मतलब यहाँ पर पूरा वो हैकिंग टाइप का सिस्टम होता है ना, वो सेटअप किया होता है कुछ वैसा ही यहाँ पर लग रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है। और आज का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाला है। आज का क्वेश्चन है कि सामने मुझे यहाँ पर कितनी सीढ़ी दिख रही थी। बाकी यही था वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।